हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई हेमोडायलिसिंग यूनिट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी। हमें पूछा गया जो हेमोडायलिसिंग यूनिट होती है उसे हम आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, उसका काम भी क्या होता है, डायलिसिस करना। ठीक है, इसका काम होता है डायलिसिस करना, क्योंकि अगर हम हमारी किडनी को देखें, ठीक है, जो हमारी नेचुरल ऑर्गन होता है किडनी, इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन करता है ताकि हमारे ब्लड में किसी भी तरह का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, हमारे पास एक्सेस ऑफ सोडियम हो गया, इन सबको क्या करता है हमारी बॉडी से जो है ये रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन के साथ मिक्स करके सबको रिमूव कर देता है। कई बार क्या होता है, हमारी जो किडनी है वो फेल हो जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, रीनियल फेलियर देखने को मिलता है। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें किडनी जो है बिल्कुल फंक्शन नहीं करती है, तो उनके लिए ये जो डायलिसिस करनी पड़ती है, जो कि आर्टिफिशियल किडनी होती है, जिसका काम क्या होता है, अगेन ब्लड फिल्ट्रेशन का, इसीलिए हम इसे हेमोडायलिसिंग यूनिट कहते हैं। हेम का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस मतलब उसकी फिल्ट्रेशन करना। सो ये कॉन्सेप्ट था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।